गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर में अपन ने गिब्स फ्री एनर्जी जी और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन या वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा था. आज अपन वैसे तो चैप्टर के ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुके हैं, कुछ लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ है वो अपन देखते हैं. कि जैसे आपको पता है कि डेल्टा जी और डेल्टा ए जो अभी अपन ने लास्ट में पढ़ा, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, वो भी देखो अगर डेल्टा जी जीरो है, ये अपन कर चुके हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था एंट्रोपी एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तब अपन ने सभी पैरामीटर्स देखे थे कि डेल्टा एस जो होना चाहिए वो तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, है ना. और सारे ई हो, एच हो, जी हो, ए हो, वो लेस देन जीरो होने चाहिए. ये अपन ने उस लेक्चर में पढ़ा था. यहाँ पे मैं आपको डेल्टा जी और डेल्टा ए के बारे में, स्पॉन्टेनिटी, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, ठीक है, तब डेल्टा जी की वैल्यू किस तरीके से अपन को डिसाइड करनी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बता रही हूं, ठीक है. तो आपको पता है कि डेल्टा जी जब जीरो होता है तब वो प्रोसेस क्या होता है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस नहीं है. डेल्टा जी लेस देन जीरो जब होगा तब वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, कि वो अपने आप हो सके, ठीक है, या आप कह सकते हो वो प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल. डेल्टा जी इज लेस देन जीरो. तो कई बार क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल में देखो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू दे देंगे, एंट्रोपी की वैल्यू दे देंगे, टेम्परेचर बता देंगे, और आपसे पूछेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू के देख के आप बताओ कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं. तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर माइनस में आती है इसका मतलब लेस देन जीरो है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर जीरो आती है तो प्रोसेस रिवर्सिबल है, और अगर प्लस में आती है तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप नहीं होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस प्रोसेस को कराने के लिए, ठीक है. डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या जीरो, जीरो मतलब इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, और लेस देन जीरो पॉजिटिव है इसका मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप फेवरेबल नहीं है होना प्रोसेस का, हमें एनर्जी दे के प्रोसेस को कराना पड़ेगा. और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, ठीक है. तो अब देखो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो डेल्टा एच और जो आपके डेल्टा एस है उनकी वैल्यूज कैसी है ना. तो आप देखो जैसे डेल्टा एच अगर मान लो टी डेल्टा एस के इक्वल है, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो आपको पता है दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है तो बीच में तो नेगेटिव साइन है, तो ये एक दूसरे के इक्वल है, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है. तो पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि दोनों पॉजिटिव है और एक दूसरे के इक्वल है. दूसरी कंडीशन, दोनों पॉजिटिव है दोनों, कौन, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, दोनों पॉजिटिव है लेकिन टी डेल्टा एस क्या है, बड़ा है डेल्टा एच से. तो देखो बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो और प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है. तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों पॉजिटिव है लेकिन टी डेल्टा एस जो है वो बड़ा है किससे, डेल्टा एच से. टी डेल्टा एस जो है वो क्या है, वो तो बड़ा तो पहले भी था, उल्टा लेना है तुमको, दोनों पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा एच बड़ा है टी डेल्टा एस से. तो देखो अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा लेकिन बड़ा डेल्टा एच है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो डेल्टा एच क्या आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा पॉजिटिव आएगी तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. कैसा प्रोसेस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो अपन
अपन इस साइन की बात नहीं कर रहे हैं, साइन अपनी जगह है, सिर्फ इतनी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ मैं कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बीच में माइनस साइन बना रहेगा, ठीक है। और डेल्टा एच पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा एच बड़ा है तो बड़ा होगा तो पॉजिटिव भी आएगी ओवरऑल क्वांटिटी, और पॉजिटिव अगर आएगी तब तो जीरो से बड़ी आ गई तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और टी डेल्टा एच जो है वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन डेल्टा एच जो है उससे बड़ा है कौन सा, टी डेल्टा एच। इस कंडीशन में देखो वैसे भी डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो वैसे ही बाहर से नेगेटिव आ जाते, दोनों नेगेटिव हो गए ओवरऑल, जब माइनस साइन यहाँ पे लगा भी देंगे तब तो नेगेटिव ही आएगा, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो एंड इट विल बी स्पॉन्टेनियस। तो अगर आपसे ये चीजें पूछी जाए कि कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में बताओ, डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में ये चीजें प्रूव करो, तो आप इस इक्वेशन से उसको बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप उसमें बता दो डेल्टा ए वाले में, क्योंकि देखो आपको कल ही अपन ने पढ़ा है डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डी डेल्टा एस, और आपको पता है ये भी इसमें भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब ये जो डेल्टा ए है ये लेस देन जीरो है ना, इज इक्वल टू जीरो होगा तब तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, और ग्रेटर देन जीरो होगा तब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तो लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब वैल्यू किस में होनी चाहिए, माइनस में। तो इसमें भी यही कंडीशंस लग जाएंगी, बस वो कंडीशन इंटरनल एनर्जी की होगी डेल्टा एच की जगह, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो अपन ने नर्न्स्ट हीट थ्योरम, जब मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तब मैंने एक नर्न्स्ट हीट थ्योरम में उस इक्वेशन को यूज किया था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। वही इक्वेशन आज अपन निकालेंगे पहले, और उसके उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। तो देखो अभी अपन देखेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। देखो होती क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसी तरीके से अगर डेल्टा ए है, डेल्टा ई है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट भी, ये हो गया, ये दोनों गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो अपन देखो ये वाली सॉल्व करते हैं, फिर उसी तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जर्नल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पता है, ये देखो ये मैंने आपको चार पांच जर्नल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बताई थी, डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी, ये इक्वेशन अपन ने पढ़ी भी है, बहुत बार निकाली भी है पीछे, है ना। तो डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी बी, ठीक है। देखो यहां से मैं सॉल्व करती हूँ ताकि इसी पे ही सॉल्व हो जाए, डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसको अपन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं बात कर रही हूं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कि अपन जो काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, ठीक है। जब आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पे काम करोगे तो ये वाली चीज, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन डीपी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो जीरो हो गई, बचेगा क्या, डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, ठीक है। जिसको आप कैसे लिख सकते हो, डी जी डी टी को नीचे ले आओ क्योंकि कॉन्स्टेंट पी है इज इक्वल टू माइनस एस, ठीक है। अब वही मैं दो सिस्टम कंसीडर कर रही हूं, मैं ये कंसीडर कर रही हूं कि दो सिस्टम है, एक के पैरामीटर क्या है, जी वन और एस वन, और टेम्परेचर सेम है टी, और दूसरा दो अदर सिस्टम है उसके पैरामीटर क्या है, अदर सिस्टम जो है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी जी टू है, एंट्रोपी एस टू है, और टेम्परेचर क्या है टी, और प्रेशर कॉन्स्टेंट है टी, ठीक है।
तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। दो सिस्टम है, हम उनमें कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो सिस्टम सेकंड माइनस सिस्टम फर्स्ट। तो सिस्टम सेकंड का ये क्या हो जाएगा, जी टू अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस डेल जी वन अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी। सिस्टम सेकंड माइनस सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, माइनस एस टू, ठीक है, और माइनस करेंगे तो प्लस एस वन आ जाएगा, ठीक है भाई। एस टू माइनस था पहले भी, तो माइनस एस टू, फिर सेकंड सिस्टम फर्स्ट वाला माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो माइनस, जैसे अगर मैं माइनस कर रही हूं, माइनस माइनस एस वन लिखूंगी ना, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, प्लस ही तो आ जाएगा, प्लस एस वन। मैंने क्या किया, इन दोनों सिस्टम को कंपेयर किया और सिस्टम सेकंड में से सिस्टम फर्स्ट को माइनस कर दिया। ये जो सेकंड सिस्टम है इससे सिस्टम फर्स्ट को माइनस कर दिया। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल जी टू माइनस जी वन, तो गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस हो गया, तो डेल्टा जी लिख सकते हो अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिखना चाहूं इसको कि S2 माइनस S1, तो देखो मुझे बाहर माइनस लगाना पड़ेगा तभी माइनस S2 और प्लस S1 होगा, तो S2 माइनस S1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा G एट डेल्टा P एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S लिख सकते हो। इस माइनस को आप इधर की तरफ भी ला सकते हो फिर, तो ये अपने आगे डेल्टा S की वैल्यू, ठीक है। इस डेल्टा एस की वैल्यू को देखो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो डेल्टा एस की वैल्यू आई है इसको आप उसमें लिख दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। आप डेल्टा एस की जगह जब ये लिखोगे तो देखो इसमें माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी। यही तो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, देखो समझ में आ रही बात। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। देखो ये निकल के आ गई यहाँ से, आपने बस डेल्टा एस की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दी, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ ऐसे ही आप कैसे करोगे, इसकी निकाल लोगे, इसमें सबसे पहले आपको उसकी जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, और वी को कॉन्स्टेंट मान लो तो ये जीरो हो जाएगी, और सेम इसी तरीके से दो सिस्टम कंसीडर करते हुए इसका निकाल लेना, तो इसका भी यही आएगा, देखो ये आएगा माइनस डेल्टा एस आ जाएगा, और बस उसको फिर उस इक्वेशन में रख देना आप, इसमें डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस डी डेल्टा एस, और यहां पर रख देना, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पे तो वो न्यूमेरिकल आते हैं, ये तो है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये है एंथैल्पी, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये जो टर्म है इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या हेल्प करती है अपन को, कि अगर अपन को एक टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो हम दूसरे टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, देखो क्योंकि ये टर्म क्या है, ये है ये, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज एक टेम्परेचर पर प्रेजेंट है, मान लो जी टू और टी टू आपको पता है, तो आप दूसरे टेम्परेचर पर गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो सिर्फ इसको यूज करके, ठीक है। प्लस इस इक्वेशन को यूज करके आप एंथैल्पी निकाल सकते हो, एंथैल्पी और टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर सीधा दिए हुए हैं तो आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं इन इक्वेशंस को यूज़ करके। प्लस इस इक्वेशन का देखो, इसका एक अगर हम इसको आगे फॉरवर्ड कर आगे निकालना चाहें, तो आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई लिखूँ, डेल्टा एच प्लस यहाँ पे भी मैं माइनस एन एफ ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी,
सारे इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, तो इधर करोगे तो ई रह जाएगा, इधर करोगे किससे डिवाइड कर रही हो, माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एफ आ जाएगा लेकिन माइनस का साइन भी आएगा, प्लस इसको माइनस एन एफ से डिवाइड करूंगी तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट, ये भी टेम्परेचर कॉफिशियंट है लेकिन यहाँ ई एम एफ का डिफरेंस है, ई टू माइनस ई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो ये ई एम एफ भी आप से कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से ही अपन इसको निकाल के लाए, ओके। तो इस ये इक्वेशन न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है, न्यूमेरिकल आ सकता है इस इक्वेशन के ऊपर, देखो जैसे ये न्यूमेरिकल है इसको अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो यहाँ पे पूछा क्या है, हीट ऑफ अबाउ रिएक्शन पूछा है, मतलब डेल्टा एच पूछा है और ये डेल्टा जी दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो सबसे पहले तो अपन ये टेम्परेचर कॉफिशियंट निकालेंगे जो कि डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट पी, कैसे सॉल्व करोगे आप, डेल्टा जी टू माइनस डेल्टा जी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, ठीक है, तो जो हायर टेम्परेचर वाला है वो जी टू हो जाएगा, ये वाला ये टी टू हो जाएगा और इसकी जो जी वैल्यू है वो डेल्टा जी टू हो जाएगी और ये टी वन हो जाएगा और इस पे जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो जी वन हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले अपन ये टेम्परेचर कॉफिशियंट निकालेंगे, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद में उसने क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट हीट ऑफ अबाउ रिएक्शन एट 308 केल्विन, 308 केल्विन, तो क्या करेंगे, क्योंकि 308 केल्विन पे पूछा है तो उसी की गिब्स फ्री एनर्जी यूज करेंगे, माइनस 14.12 किलो जूल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, अपन को निकालना है टेम्परेचर भी 308 इंटू जो भी आप ये टेम्परेचर कॉफिशियंट निकालोगे उसको यहां रख दो और इस तरह से डेल्टा एच अपन निकाल सकते हैं। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो आपने पढ़ी आज उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसको सॉल्व करके देखें आप, थैंक यू।